All right, I'm going to start today's lecture. I'm really excited about today's lecture. इसमें हम एसिड और बेस इंबैलेंसेस देखेंगे. एसिड और बेस इंबैलेंसेस ऑफ कोर्स हम लोगों को पता है ऑलरेडी होते क्या क्या हैं. इफ द पीएच इज लेस देन 7.35 द कंडीशन इज कॉल्ड एसिडोसिस. इफ द पीएच इज ग्रेटर देन 7.45 द कंडीशन इज कॉल्ड अल्कलोसिस. तो हमारे पास इसमें क्या हुआ 7.35 to 7.45 हमारे पास नॉर्मल पीएच रेंज. एसिडोसिस होता है क्या? इट इज एन इंक्रीज इन हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड एंड अदर बॉडी टिश्यूज. लाइकवाइज अल्कलोसिस इज डिक्रीज इन हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड एंड अदर बॉडी टिश्यूज. सिंपल डेफिनेशंस टू अंडरस्टैंड एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस. अब इम्बैलेंस हुए हैं तो बॉडी कुछ ना कुछ तो करेगी, कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो देगी. वो जो रिस्पॉन्सेज हैं दे आर कॉल्ड कंपनसेशंस. वो जो रिस्पॉन्सेज हैं दे आर कॉल्ड कंपनसेशंस. ठीक है, एसिडोसिस हुआ तो क्या कंपनसेशन होगी, अल्कलोसिस हुआ तो क्या कंपनसेशन होगी. कंपनसेशन मतलब बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी उसको. ऑलराइट जी, so we have two processes. One is acidosis, the other one is alkalosis. Acidosis can be further of two types. It can either be a metabolic acidosis or a respiratory acidosis. Alkalosis likewise can be of two types. That is metabolic alkalosis and respiratory alkalosis. ठीक हो गया. अच्छा, अब इसको जरा देखें. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हम नाम दे रहे हैं तो इसका मतलब है जो प्रॉब्लम है ना वो है लंग्स में. ठीक है, और अगर हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस नाम दे रहे हैं तो इसका मतलब है प्रॉब्लम है किडनीज में. इसी तरह यहाँ पे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, मेटाबॉलिक है तो किडनीज में प्रॉब्लम होगी, रेस्पिरेटरी है तो लंग्स में प्रॉब्लम. ठीक है, सबसे पहले तो इनके नाम से हमने ये डिड्यूस कर लेना है कि प्रॉब्लम है कहाँ. अगर तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, प्रॉब्लम किडनी में है, तो उसकी जो कंपनसेशन होगी वो रेस्पिरेटरी होगी, यानी कि लंग्स पे होगी. अगर उसकी कंपनसेशन होगी किडनी से पहले ही खराब हुई पड़ी है तो उसकी कंपनसेशन लंग्स पे होगी. ठीक है, इसी तरह मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, प्रॉब्लम किडनीज में, कॉम्पनसेशन लंग्स में. ऑन द अदर हैंड अगर रेस्पिरेटरी है इशू, वेदर अल्कलोसिस और एसिडोसिस, तो प्रॉब्लम कहाँ है, लंग्स में, लंग्स काम नहीं कर रहे. अगर लंग्स काम नहीं कर रहे तो कॉम्पनसेशन कहाँ पे होगी, किडनीज में. ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला टू रिमेम्बर. सबसे पहले तो प्रॉब्लम है कहाँ पे, वेदर इन लंग्स और इन किडनीज. अगर किडनीज में प्रॉब्लम आ गई है तो लंग्स हल करेंगी, अगर लंग्स में प्रॉब्लम आ गई है तो किडनीज हल करेंगी. ऑलराइट जी, ठीक है, मूविंग ऑन. एसिडोसिस की एक और डेफिनेशन देखते हैं. एन एक्सेसिवली एसिड कंडीशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स और टिश्यूज. तो अल्कलोसिस की क्या होगी, एक्सेसिवली बॉडी फ्लूइड हाँ जी, लेट्स स्टार्ट दिस स्लाइड. कनेक्शन ड्रॉप हो गया था. एसिडोसिस कैन बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है,
और इट कैन बी और एल्कलोसिस कैन बी डिफाइंड एज डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, हाइड्रोजन आयन की बात होगी ना यहाँ पे, डिफरेंट डेफिनेशन है एक्सेसिवली एसिड कंडीशन और एसिडोसिस की, एक्सेसिवली अल्कलाइन कंडीशन एल्कलोसिस, यानी कि यहाँ पे तो फिर वही सेम ही चीज आ रही है, लेकिन यहाँ पे अल्कलाइन कंडीशन एक्सेसिव है बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो एक्सेस हो रहे हैं, तो रिलेटिवली हाइड्रोजन आयन इसमें कम हो रहे हैं. ठीक हो गया, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को हम जरा देख लेते हैं. इसमें प्राइमरी जो होता है ना डिफेक्ट वो एल्कली डेफिसिट होता है. ठीक हो गया, एसिडोसिस में प्राइमरी डिफेक्ट क्या होता है, एल्कली डेफिसिट. ऑफ कोर्स बेस कम होगी तो उसके जो रिलेटिवली हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी और आपके पास एक एसिडोसिस की कंडीशन आएगी. ठीक है, ये जो बाइकार्बोनेट रिलीज हो रहा होता है ना इट इज एक्सेसिवली रिलीज्ड इन यूरिन. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर हमारे पास जो प्राइमरी डिफेक्ट होता है वो होता है एसिड एक्सेस, यानी कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है. That is caused by the impaired removal of carbon dioxide produced by the body in hyperventilation. Metabolic alkalosis के अंदर आपके पास alkali excess हो रही है, यानी कि bicarbonate ions increase हो रहे हैं. ठीक है, और respiratory alkalosis के अंदर आपके पास acid deficit आ रहा है, यानी कि आपके पास hydrogen ion concentration डिक्रीज हो रही है, डेफिसिट आ रहा है. इट इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज मोर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन हाइपरवेंटिलेशन. सो याद रखने वाली चीज क्या है हमारे पास यहाँ पे, एक सिंपल सा पॉइंट याद रखें कि हमारे पास अगर तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं तो द प्रॉब्लम इज विद बाइकार्बोनेट्स. ठीक है, और अगर हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं तो द प्रॉब्लम इज विद द hydrogen ion concentration. So we can say the problem is with the partial pressure of carbon dioxide. ठीक है, दोनों में आप देख रहे हैं carbon dioxide is retained, carbon dioxide is removed. Acidosis है तो acid increase होगा, pH decrease होगी. pH decrease होगी तो इसका मतलब है PCO2 increase होगी, और बाइकार्ब्स हैं तो बाइकार्ब्स डिक्रीज ऑन द वाइस वाइस वर्स होता है. ठीक है, ये नहीं हो सकता कि ये और ये दोनों इंक्रीज हो गए. याद किस रखना है, एसिडोसिस है पीएच डिक्रीज होगी, ये देखें पीएच डिक्रीज होगी तो पीसीओ2 इंक्रीज होगा. ठीक है, और अगर पीसीओ2 इंक्रीज होगा तो बाइकार्बोनेट डिक्रीज होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर. लाइकवाइज मेटाबॉलिक alkalosis or respiratory alkalosis, respiratory alkalosis is a pH increase ho rahi hai, pH sorry leave it pH increase ho rahi hai. theek hai na, to iska matlab hai PCO2 decrease ho, theek hai, removal of carbon PCO2 decrease ho, PCO2 decrease hogi to pH increase hogi, aur ye bicarbonates hain, bicarbonates increase honge to alkalosis aise hi metabolic process. isko aage hum dekh lete hain dobara pareshan na. ये मैंने भी बात की ना सर, ये एक वेज थ्योरी है कि होम्योस्टेसिस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 है वो स्टेबल रहती है तो पीएच भी स्टेबल रहती है. अगर PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होना शुरू हो जाए, यानी कि बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करना शुरू कर दे, बाहर ना भेज सके, ठीक है, तो क्या होता है, जिस तरह सीसा में होता है एक वेज शेप में होता है कि PCO2 अगर इंक्रीज होगा तो पीएच डिक्रीज होगा. और तीसरी इसके अंदर क्या हो सकती है जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई, यहाँ पे इस वेज थ्योरी में है भी नहीं, सिर्फ ये पीछे हमने जो देखा, अगर PCO2 इंक्रीज हो रही है तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस जो एसिडोसिस है मेटाबॉलिक एसिडोसिस उसमें बाइकार्बोनेट आयंस डिक्रीज हो रहा है. इसी तरह PCO2 फॉल्स, अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट हो जाती है या रिलीज हो जाती है बॉडी से, तो इसका क्या मतलब है कि PCO2 डिक्रीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, PCO2 डिक्रीज हो रही है, एसिड कंटेंट डिक्रीज हो रहा है तो पीएच इंक्रीज हो जाएगा. दिस वुड बी अ मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्योंकि इसमें बाइकार्बोनेट आयंस इंक्रीज हो रहे हैं.
ठीक हो गया। अगेन इसमें याद रखने वाली क्या चीज है, एक सिंपल सा प्रोसेस, एक सिंपल सा मैथ। अगर PCO2 इंक्रीज हो रही है तो pH डिक्रीज होगी, ठीक है ना, वाइस वर्सा, इनवर्स रिलेशनशिप। अगर PCO2 डिक्रीज हो रही है तो pH राइज हो रही है, अल्कलाइन हो रही है, ठीक हो गया। ये pH एसिडिक हो रही है जी। आगे चलते हैं, अब ये सब कुछ देखा उसको एक बस टैबुलेटेड फॉर्म में लाना चाह रहा हूँ। मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो pH डिक्रीज होगी, ठीक है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो pH डिक्रीज होगी। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, pH डिक्रीज होगी तो PCO2 को क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब ये मेटाबॉलिक है, रेस्पिरेटरी था तो लंग का इशू था, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी था तो लंग का इशू था। सो pH अगर डिक्रीज हो रही है तो ये देखें तो PCO2 इंक्रीज हो रहा है, सही है। तो इसके ऑपोजिट क्या था हमारे पास, बाइकार्बोनेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में डिक्रीज होंगे तो रिलेटिव जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, रिलेटिव हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास pH डिक्रीज है। देखते हैं अब कॉन्सेप्ट कुछ मुनासिब है कि नहीं, ये देखते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में pH डिक्रीज हो रही है और बाइकार्बोनेट आयंस डिक्रीज हो रहे हैं, और जो हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस उसमें pH डिक्रीज हो रही है और PCO2 पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्लियर द स्लाइड से में सी प्रॉपर्ली राइट जी, ये दोनों हमारे पास सही डायग्नोज है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में देखते हैं, एल्कलोसिस है तो इसका मतलब है pH इंक्रीज हो रही है, और रेस्पिरेटरी है तो इसका मतलब है लंग्स का इशू है, मेटाबॉलिक है तो इसका मतलब है किडनीज का इशू है, ठीक है। pH अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब बेस इंक्रीज हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पे मेटाबॉलिक है तो इस पे बाइकार्ब ही आएगा, ये लंग्स है तो इस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ही आएंगे। तो बाइकार्ब को देखते हैं, बाइकार्ब अगर ज्यादा होगा तो आपके पास pH ज्यादा होगी, क्योंकि रिलेटिवली हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाए, ठीक है, ज्यादा होगी तो होगा। और PCO2 वाइस वर्सा इसके डिक्रीज होगा, PCO2 डिक्रीज होगा तो pH इंक्रीज होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास आप देख सकते हैं PCO2 डिक्रीज होगा, ठीक हो गया जी। Deciding all this, diagnosing all this, we should be able to understand the compensation response of the body as well. ठीक है, देखिए अगर bicarbonate आयन decrease होगा इसका मतलब जो आपके पास relative hydrogen and concentration है वो increase हो रही है, problem kidneys में हो रहा है, तो हल कौन करेगा, lungs, ठीक है। और lungs क्या करेंगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज करेंगे ताकि एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉडी से बाहर निकले, ठीक है। लेट मी रिपीट, बाइकार्बोनेट आयंस कम हो रहे हैं तो हमारे पास रिलेटिव जो एसिडोसिस है उसको करेक्ट करने के लिए पीएच को इंक्रीज करना है, ठीक है। आपको डिफरेंट तरीके से समझा रहा हूँ, डायग्राम, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयंस हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, रिलेटिव आपके पास हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, एसिडोसिस होता जा रहा है, पीएच को हमने जो डिक्रीज हुई थी उसे इंक्रीज की तरफ लेके जाना। तो अगर पीएच इंक्रीज करनी हो तो आप कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, ब्लड में PCO2 को डिक्रीज किया जाएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी कम होना शुरू हो जाएगी। वाई,
क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये वाटर के साथ मिलकर बनाती है कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। और अगर ये रिएक्शन इस तरफ जाना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयंस कम हो रहे हैं, ठीक है, एसिड जो है वो बॉडी से क्लियर आउट हो रहा है, ठीक है ना, एसिड इज क्लियर्ड आउट, सो इट विल रिकवर द पीएच टुवर्ड्स नॉर्मल। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को देख लें, एसिडोसिस में आपके पास PCO2 इंक्रीज हो रही है तो पीएच कम हो रही है, ठीक है। प्रॉब्लम लंग्स का हल किडनीज करेंगे, किडनीज कैसे हल करेंगे, ये जो पीएच डिक्रीज हो रही है उसके लिए जो हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन पीएच डिक्रीज होने की वजह से इंक्रीज होती जा रही, सही है, उसको मैच करने के लिए क्या करेंगी ये किडनीज, बाइकार्बोनेट आयन कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। द यूरिन विल बी एसिडिक, हाइड्रोजन आयंस विल बी एक्सक्रीटेड आउट इन द यूरिन एंड द पीएच विल रिज्यूम टुवर्ड्स नॉर्मल। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में देखें, बाइकार्बोनेट आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, पीएच इंक्रीज हो रही है, पीएच को डिक्रीज करना है, पीएच को डिक्रीज करना है, PCO2 इंक्रीज करना है, ऑक्सीजन रिटेंशन शुरू करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन शुरू कर दी, रिटेंशन होगी तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू होगी तो पीएच डिक्रीज हो जाएगी। एंड लास्टली रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, ठीक है, पीएच इंक्रीज हो रही है। प्रॉब्लम लंग्स का हल किडनीज करेंगी, कैसे किडनीज हल करेंगी, PCO2 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, एसिड एक्सक्रीट आउट हो रहा है, ठीक है ना, एसिड आउट जा रहा है बॉडी में, तो एल्कलोसिस हो रही है, एल्कलोसिस होने के लिए जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएंगे यूरिन, एंड यूरिन विल बिकम एल्कलाइन, ठीक है ना, एंड द पीएच विल डिक्रीज, ठीक है, बाइकार्ब बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, ठीक हो गया। एक एक करके इनको देखते हैं, जरा डिटेल में, एक ओवर भी दिया मैंने आपको, एक एक करके जरा इनको डिटेल में देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है हमारे पास, तो सबसे पहले एसिडोसिस है तो हमने ये देखा था कि पीएच डिक्रीज होगी, रेस्पिरेटरी है तो लंग्स का इशू है, पीएच डिक्रीज होगी तो PCO2 इंक्रीज होगा। हाउ मच, एज मच एज ग्रेटर देन 45 mm ऑफ मर्क्यूरी, इससे भी ज्यादा होना शुरू हो गया, ज्यादा होना शुरू हो गया का मतलब है कि हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, एसिड इज रिटेन्ड इन द बॉडी, एसिड इज रिटेन्ड इन द बॉडी, यानी कि आपकी ब्रीदिंग सही नहीं चल रही है, ब्रीदिंग हाइपरवेंटिलेशन हो रही है, शैलो रेस्पिरेशन हो रही है, क्योंकि एक्सचेंज नहीं हो रही, इस वजह से CO2 बढ़ती जा रही है, किसी पार्शियल प्रेशर से हाइपोटेंशन हो रही है, अगेन सेम फिनोमेना, साइनोटिक एंड पेल लुक है, हेडेक है, हाइपरकेमिया, डिसरिथमियास, पेनफुल अरिथमियास, डिस का मतलब पेनफुल होता है, जैसे डिसनिया, पेनफुल रेस्पिरेशन, एपनिया होता है नो रेस्पिरेशन, इसी तरह डिसरिथमिया तो पेनफुल अरिथमिया, एरिथमिया तो सिर्फ अरिथमियास, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, डिसोरिएंटेशन, मस्कुलर वीकनेस, हाइपोथेक्सिस, कॉजेस की बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉजेस में आ जाता है एनेस्थीसिया, ओवरडोज ऑफ ड्रग्स, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, निमोनिया, COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ARDS, ARDS, acute respiratory distress syndrome and pulmonary embolism. ये इसकी कुछ causes हैं, आपको symptoms हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था respiratory acidosis में कुछ decrease हो रही थी, PCO2 यानी के ये PCO2 कितना increase हो था, more than 45 mm of Hg mercury. कार्बन रिटेन हो रही थी बॉडी में, रिस्पिरेशन ठीक नहीं चल रही। ये है हमारी नॉर्मल रेशियो
बाइकार्ब्स की और कार्बोनिक एसिड की, बाइकार्बोनेट्स की और कार्बोनिक एसिड की बॉडी, 1 part कार्बोनिक एसिड एंड 20 parts बाइंड्स. अगर PCO2 इंक्रीज होना शुरू हो गया, ऑक्सीजन रिटेन हो गया तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. PCO2 रिटेन हो रहा, ब्रीथिंग इज सप्रेस्ड, होल्डिंग CO2 इन बॉडी, तो क्या होगा, हमारे पास जो एसिड कंटेंट है इंक्रीज हो रहा है, 1:2 की जाए 2:20, ठीक है. तो स्केल टिप्स टुवर्ड्स एसिडोसिस, ठीक हो गया. ये तो होगी प्राइमरी इंबैलेंस, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट, एसिड एक्सेस, ठीक है जी, एसिड एक्सेस. इसको बॉडी कंपनसेट करना शुरू करती है. कैसे कंपनसेट करना शुरू करती है, क्योंकि जो बाइकार्ब्स है ना, इनको इंक्रीज करना शुरू कर देती है टू मैच, ठीक है, सो दैट दे द स्केल्स कैन टिप बैक इनटू द बैलेंस, एंड बैलेंस को करेक्ट किया जा सके. वो कैसे होता है, जो किडनीज है ना, वो एसिडिक यूरिन एक्सक्रीट आउट करना शुरू कर देती है, हाइड्रोजन आयंस को एक्सक्रीट आउट करना शुरू कर देती है, ठीक है, और HCO3 को कंजर्व कर देती है. वो कंजर्व करके क्या करती है, इंजेक्ट्स इट बैक टू द सिस्टम. तो आपके पास ये देख रहे हैं, ये 20 था, यहाँ पे भी 20 था, तो कंपनसेशन के ऊपर ये 30 पे आ गया, ठीक है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड पार्शियली कंपनसेटेड, ठीक है. बंदा हॉस्पिटल पहुंचता है, चेक किया जाता है, पता चलता है ये मसला था. तो व्हाट डॉक्टर्स डू, दे इंफ्यूज द पेशेंट विद लैक्टेट कंटेनिंग सॉल्यूशन सच एज रिंग लैक्टेट. लैक्टेट क्या करता है, ये लैक्टेट जो है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है बाइकार्बोनेट आयंस में लिवर में जाकर, तो कंप्लीट कंपनसेशन, ठीक है, कंप्लीट कंपनसेशन अचीव हो जाती है. पार्शियल कॉम्पनसेशन में भी रहे बंदा, तो ओवर टाइम उसको ये जो डेरेंजमेंट है ये नॉर्मलाइज हो जाता है. लेकिन हम डॉक्टर्स के पास से बंदा पहुंचता है तो वी गिव देम एप्रोप्रिएट फ्लूइड्स और द पेशेंट कम बैक्स टू नॉर्मल. अच्छा, यहाँ भी मैंने रिंगर लैक्टेट का नाम लिया, रिंगर लैक्टेट भी होता है, दूसरा नॉर्मल सलाइन होता है, ठीक है. नॉर्मल सलाइन आगे आना, मैं स्पेसिस का यहाँ पे नाम देके ना डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, हम यहाँ पे रिंगर लैक्टेट यूज कर. तो इफ यू रिमेम्बर, the primary defect of the aspiratory acidosis was increased PCO2 and pH. Compensation was increased absorption of bicarbs and the pH returns to normal. Okay. Now comes the aspiratory alkalosis. Alkalosis में क्या था? Alkalosis है तो pH increase हो रही है. रेस्पिरेटरी ऑफ द लंग्स का इशू है, PCO2 का इशू है, पीएच इंक्रीज हो रही है, तो वेज थ्योरी से PCO2 डिक्रीज हो रही है. कितनी, एज लो एज 35 mmHg एंड बिलो इट, ठीक है. तो इसकी नॉर्मल रेंज हमारे पास क्या होगी, PCO2 की 35 to 45 mm ऑफ मर्करी हमारे पास इसकी नॉर्मल रेंज है. 45 से ऊपर चला जाए तो एसिडोसिस, 45 से नीचे चला जाए तो अल्कलोसिस. इसमें देख लेते हैं, हमारे पास सीजर्स हैं, डीप रैपिड ब्रीदिंग है, ठीक है, उसमें शालो ब्रीदिंग थी एसिडोसिस, रैपिड ब्रीदिंग है, उसमें हाइपोवेंटिलेशन, इसमें हाइपरवेंटिलेशन है, यानी कि PCO2 बहुत कम है सिस्टम के अंदर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट हो गया, बाहर एक्सहेल आउट हो गई है एयर ज्यादा, ठीक है. उसमें ऐसा होता है टैकीकार्डिया में ऐसा होता है, हाइपोकलीमिया, नंबनेस, टिंगलिंग, एक्सट्रीमिटीज, लेथार्जी, लाइट हेडनेस, नोजिया, वोमिटिंग. कॉजेज में आ जाती है हमारे पास प्राइमरली हाइपरवेंटिलेशन, जो आप तेज से सांस लेंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होगी, एंग्जाइटी, फियर, मैकेनिकल वेंटिलेशन, ये जो हम वेंटिलेटर्स वगैरह पे बंदों को रखते हैं, पेशेंट्स को रखते हैं. अच्छा, ठीक है, क्या देखा था हमने इसमें, अल्कलोसिस है तो pH increase हो रही है, respiratory issue है तो pH increase होगी तो PCO2 decrease होगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा carbon dioxide body से release हो चुकी है.
फिर वहीं से शुरू करते हैं, हमारे पास जो नॉर्मल बैलेंस है बाइकार्बोनेट आयंस का और कार्बोनिक एसिड का 120। हम पीएच डिक्रीज करना चाह रहे हैं, पीसीओ2 और पीएच डिक्रीज करना चाह रहे हैं, पीसीओ2 डिक्रीज करके, तो इसका मतलब है कि हाइपर एक्टिव ब्रीथिंग ब्लोज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लोज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का इसका मतलब है जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो जो एसिड कंटेंट है वो 120 की बजाय 0.5 और 20 पे आ जाएगा, व्हिच टिप द स्केल्स टुवर्ड्स अल्कलोसिस, कि बाइकार्ब्स ज्यादा हो जाते हैं रिलेटिवली। ठीक हो गया जी। ये हो गई इंबैलेंस वाली फॉर्म। बॉडीज के बारे में कुछ करती है, बॉडी क्या करती है कि 0.5 एसिड रह गया था उसके रिलेटिवली अपना बाइकार्बोनेट रिलीज करना शुरू कर देती है, तो यूरिन बिकम्स अल्कलाइन, हाइड्रोजन आयंस आर कंजर्व्ड एंड बाइकार्बोनेट आयंस आर रिलीज्ड इन द यूरिन। ठीक है, ये HCO3 कहां से आता है, H2CO3 ब्रेक डाउन होता है इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक हो गया, बाइकार्बोनेट सिस्टम में से निकल के यूरिन में चले जाते हैं और हाइड्रोजन आयंस आर एडेड टू द सिस्टम टू टिप द स्केल्स बैक टू नॉर्मल, के इसको इंक्रीज करो और इसको डिक्रीज करो। सही हो गया, तो ये अगेन पार्शियली कॉम्पेंसेटेड स्टेट है जो बॉडी करती है। बंदा फिर डॉक्टर के पास आएगा हॉस्पिटल में, डॉक्टर उसको एसेस करेगा, देखेगा उसको किस किस्म का इंबैलेंस है और उसको एप्रोप्रिएट फ्लूइड्स देगा। यहाँ पे एप्रोप्रिएट फ्लूइड है क्लोराइड कंटेनिंग सॉल्यूशंस, इसमें क्या होता है जो हमारे पास नॉर्मल सेलाइन होता है NaCl 0.9। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो क्लोराइड आयंस है ना, ये जब जाते हैं बॉडी में तो ये रिप्लेस कर देते हैं बाइकार्बोनेट आयंस, जो बाइकार्बोनेट आयंस ऑलरेडी प्रोड्यूस मौजूद होते हैं ब्लड में, ये उनको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, रिप्लेस करते हैं, दे आर फ्री टू बी एक्सक्रीटेड आउट, एक्सक्रीट आउट होते हैं और ये नॉर्मल की तरफ आ जाता है स्केल। सही, अगर इस रेशियो देख लें तो दैट इज 1:20 के बिल्कुल बराबर है 0.5 और 10। सो दिस इज हाउ द बॉडी इज इन कंप्लीट कॉम्पेंसेशन। ठीक हो गया, प्राइमरी डिफेक्ट वाज डिक्रीज इन PCO2 एंड इंक्रीज इन पीएच बीइंग अल्कलोसिस एंड रेस्पिरेटरी इन फॉर्म, कॉम्पेंसेशन वाज डिक्रीज इन बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज्ड इन यूरिन एंड then decrease in pH towards normal alkaline to judge PVT, people to judge PVT. Then comes your metabolic acidosis. Acidosis is pH should be low, metabolic is the matlab hai bicarbs ka issue hoga, bicarbs ka issue hoga, kaise acidosis hai to iska matlab hai jo aapke paas base hai wo kam ho rahi hai, the base deficit। ठीक हो गया, बाइकार्बोनेट डेफिसिट कितनी कम, लेस देन 22 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू इससे कम होती है तो एसिडोसिस होना शुरू हो जाए। ये फीचर्स देख लें इसके, हेडेक, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, हाइपोकलेमिया, मसल ट्विचिंग, वार्म फॉर स्किन, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, चेंजेस इन level of consciousness, cosmol breathing, जिसे हम compensatory hyperventilation भी कहते हैं। Causes के अंदर देखते हैं decay, diabetic ketoacidosis, severe diarrhea, renal failure और shock। ये हमारे पास conditions हैं जिसमें metabolic acidosis नजर आता है। Compensation देखने के लिए दोबारा एक बार देखेंगे pH को क्या हो रहा है, acidosis है तो decrease हो रही है, metabolic है तो bicarbonates का issue होगा, बाइकार्बोनेट्स का इशू होगा तो इसका मतलब है एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट्स डिक्रीज होंगे तो एसिडोसिस होगा। ठीक है, अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 1:20 ऑफ द बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, द कार्बोनिक एसिड इज 1 पार्ट्स एज कंपेयर टू द बाइकार्बोनेट आयंस व्हिच इज 20 पार्ट्स,
जिसने ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि बाइकार्बोनेट आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर, तो ये हमारे पास श्योर है कि ये 120 की बजाय 110 रह गए सिर्फ, ठीक है। तो रिलेटिवली एसिडोसिस हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन आपके पास एसिड कॉन्टेंट है वो इंक्रीज हो रहा है। बॉडी क्या करती है, किडनीज का इश्यू है, लंग्स काम करना शुरू करते हैं, क्या काम करते हैं, हाइपर एक्टिवेट ब्रीदिंग टू फ्लो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपके पास रिलेटिवली एसिड कंटेंट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन उसको कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो ऑफ होनी शुरू हो जाती है, बाहर की तरफ जानी शुरू हो जाती है, तो आपका ये जो एसिड कॉन्टेंट है ये कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो पहले हमारे पास 1 था अब 0.75 रह गया। लाइकवाइज किडनी में क्या होता है, किडनी में H2CO3 ब्रेक डाउन होता है, आपके पास बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, ठीक है। एसिडोसिस हुआ है, ज्यादा से ज्यादा यूरिन एसिडिक होता है और हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट आउट कर देता है इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। वो जो बाइकार्ब्स बचते हैं वो सिस्टम में इंजेक्ट होते हैं, ठीक है, और कुछ इस तरह की शक्ल बनती है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पेशेंट हमारे पास आता है हॉस्पिटल में, हम उसे फिर से ये देखें, मेटाबॉलिक इश्यू है तो लैक्टेट दे रहे हैं, ठीक है। पीछे भी मेटाबॉलिक इश्यू के अंदर पीछे भी एसिडोसिस के अंदर आपने लैक्टेट किया था। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या हो रहा था, आपके पास हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई थी, बाइकार्बोनेट आयन कम हो गए थे, तो बॉडी में आपको अल्टीमेटली लैक्टेट देना पड़ा था ताकि जैसे ये लिवर में लैक्टेट जाए तो ये बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाए और वो नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाए या इंक्रीज हो जाए और रेशो नॉर्मल हो जाए, पीएच नॉर्मल हो जाए। यहाँ भी क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर फिर हमें लैक्टेट देना पड़ रहा है क्योंकि जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो रिलेटिवली ज्यादा हुई हुई है, तो बाइकार्बोनेट को उस तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, जो कम हुए थे बाइकार्बोनेट उनको पहुंचाने के लिए हमें क्या देना पड़ रहा है, लैक्टेट, रिंगर लैक्टेट, ठीक है, रिंगर लैक्टेट देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लैक्टेट लिवर में जाके बाइकार्बोनेट में चेंज होगा और हमारे पास HCO3 बाइकार्बोनेट आयंस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दैट विल टिप द स्केल बैक इन बैलेंस। सी प्राइमरी डिफेक्ट इज डिक्रीज इन बाइकार्ब्स, डिक्रीज इन पीएच, कंपनसेशन इज डिक्रीज इन PCO2, ज्यादा से ज्यादा PCO2 को एक्सक्रीट आउट किया जाए ताकि PCO2 डिक्रीज हो जाए, इससे क्या होगा पीएच इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। लास्टली मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास पीएच एल्कलोसिस है तो इंक्रीज हो रही है, मेटाबॉलिक ही है तो बाइकार्ब्स का इशू है, बाइकार्ब्स ज्यादा होंगे तो पीएच ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी, कितनी ज्यादा, ग्रेटर देन 26 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो बाइकार्ब्स की नॉर्मल वैल्यू क्या होगी, 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। PCO2 की क्या थी, 35 टू 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। इसके फीचर्स देख लें, रेस्टलेसनेस फॉलोड बाय लेथार्जी, डिसरिथमियास, कंपेंसेटरी हाइपरवेंटिलेशन, कंफ्यूजन, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ट्रेमर्स, मसल क्रैम्प्स, टिंगलिंग ऑफ फिंगर्स एंड टोज, हाइपोकलेमिया, ठीक है। कॉजेस आर सीवियर वोमिटिंग, एक्सेसिव जीआई सक्शन, डायुरेटिक्स, एक्सेसिव बाइकार्बोनेट्स। आइए जी कंपेंसेशन देखते हैं इसकी, एल्कलोसिस है तो पीएच इंक्रीज हो रही है, मेटाबॉलिक है तो पीएच इंक्रीज हो रही है, तो एल्काइन जा रही है तो बाइकार्ब भी इंक्रीज हो रहे हैं अप टू 20 ग्रेटर देन 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। स्टार्टिंग पॉइंट वही है हमारा आखिर तक 120, बाइकार्बोनेट एक्सेस में जा रहे हैं, ठीक है, डबल अप हो जाते हैं, दिस टिप द स्केल्स टुवर्ड्स एल्कलिनिटी, ठीक है, towards alkaline pH। Body क्या करेगी? Body करेगी breathing को hold ताकि PCO2 आपके पास increase होना शुरू हो जाए। PCO2 increase होगा तो acid content बढ़ेगा body का, hydrogen ion concentration increase होगी, ठीक है, ये 1 था, ये 1.25 पे चला गया। In the meantime kidneys क्या करेंगी? Carbonic acid तो break down करके hydrogen और bicarb निकालेंगे। HCO3 तो
alkaline urine. HCl3 is eliminated from the body और hydrogen ion conserve करके system में inject कर दिया जाता है ताकि hydrogen ion concentration ज्यादा हो, acidity ज्यादा हो. पेशेंट पहुंचता है हॉस्पिटल, आप क्या करते हैं, आप उसे क्लोराइड कंटेनिंग सॉल्यूशंस देते हैं लाइक नॉर्मल सेलाइन 0.9 मोलर NaCl. वहां पे वो क्या करते हैं, वो जो क्लोरीन है वो रिप्लेस कर देता है बाइकार्बोनेट आयंस को और वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते 20 तक जा पहुंचते हैं जो 120 का नॉर्मल फॉर्मूला है. ठीक हो गया जी. प्राइमरी डिफेक्ट हमारे पास इंक्रीज इन बायकार्ब्स था, पीएच डिक्रीज और फॉर पीएच डिक्रीज एल्कलोसिस. कंपनसेशन में हमने देखा कि लंग्स ने CO2 को रिटेन करना शुरू किया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुआ तो पीएच डिक्रीज हुई टुवर्ड्स नॉर्म. तो ये चार कंपनसेशन मैकेनिज्म्स थे जिनमें आपने पार्शियल कंपनसेशंस भी देखी है जो बॉडी करती है और फिर उसके बाद कंप्लीट कंपनसेशंस भी देखी है जो आप लोग करेंगे इंशाल्लाह. When you become doctors, and you will be attending the patients in the emergency rooms, OPDs, and wards. हाँ जी, ये सारी कहानी सुनने के बाद अब हमने करना है diagnosis of acid-base imbalance. Of course, ये इतनी लंबी कहानी सुन के ये तो नहीं है कहानी सुनने का फायदा कोई नहीं होता, लेकिन आपका background knowledge base बनती है. लेकिन फिर भी उस बेस को मद्देनजर रखते हुए कि अगर हम इम्बैलेंस को डायग्नोज ही ना कर सके तो क्या फायदा इस सारी बात. डायग्नोज हम जरूर करेंगे इसको. लेकिन डायग्नोसिस करने के लिए तीन चीजें देखनी है आपको. सबसे पहले क्या देखनी ही तीन चीजें. नंबर वन, व्हाट इज द पीएच. पीएच देखी क्या आ रही है, बड़ा सिंपल सा काम. अगर पीएच लो है तो दैट इज एसिडोसिस, अगर पीएच हाई है तो alkalosis. यहीं पे segregation होगी कि whether it is acidosis or alkalosis. ठीक हो गया. अगर pH low है तो acidosis. अब हम इसलिए देख रहे हैं metabolic है या respiratory. अगर pH high है तो alkalosis. हमें सिर्फ ये देखना है metabolic है या respiratory. Second point आ जाता है हमारे पास, देखते हैं which value is drained. CO2 or bicarbonate ions. ये देखना होता है next. देखें जो. Change in PCO2 indicates respiratory imbalance. अगर PCO2 का इशू आ रहा है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल पीएच लो है, एसिडोसिस है, ठीक है, और साथ में आपकी जो वैल्यूज आती हैं उसमें PCO2 इंक्रीज हुई होती है, रिटेन हुई है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. लाइकवाइज अगर आपके पास पीएच इंक्रीज हुई हुई है, ठीक है, और इशू लंग्स का है और आपके पास गिवन वैल्यूज में PCO2 डिक्रीज हो रही है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट हो रही है, तो आपके पास आ जाएगा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस. इसी तरह दूसरे को देख लेते हैं. चेंज इन बाइकार्बोनेट इंडिकेट्स मेटाबॉलिक इंबैलेंस, यानी कि अगर पीएच ईज हो रही है, ठीक है, और मसला किडनीज का है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो यहाँ तो नॉर्मल है या नॉर्मल के आसपास है, और बाइकार्बोनेट आयंस आपके पास डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, एसिडोसिस है, पीएच डिक्रीज हो रही है तो एसिडोसिस है ना, बाइकार्बोनेट डिक्रीज होंगे, दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस. मेटाबॉलिक एसिडोसिस. इसी तरह हमारे पास अगर एल्कलोसिस हो रहा है, पीएच इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और जो आपके बाइकार्ब्स है वो ही इंक्रीज हो रहे हैं, दैट शोज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. लास्टली हमारे पास आ जाता है वेदर इट्स कंपनसेटेड और नॉट. आप देख लें, लुक एट द वैल्यूज दैट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द ऑब्जर्व पीएच रेंज. अगर आप देख रहे हैं कि पीएच हमारे पास डिक्रीज में है, ठीक है, लेकिन PCO2 भी हमारे पास डिक्रीज में है, तो इसका मतलब कि कंपनसेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल फिनोमेना नहीं है. अगर पीएच डिक्रीज होगी तो PCO2 मस्ट इंक्रीज, वो उसका वेज फिनोमेना है ना, जो वेज पे दिक्कत है, सही. कंपनसेशन इस तरह पता करें. ये देखें क्विक रिकॉल, हमारे पास तीन चीजें देखनी होती है हमने, पीएच, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्ब्स.
पीएच हमारे पास में 45 है, पार्शियल प्रेशर कार्बन 35 45 है, बाइकार्ब्स 22 to 26 मिलीक्वेलेंट्स। अगर हम स्पिरेटरी एसिडोसिस देखते हैं तो एसिडोसिस है, पीएच डिक्रीज होगी, स्पिरेटरी है तो कार्बन डाइऑक्साइड का इशू है, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और बाइकार्ब या तो नॉर्मल होंगे या इसको कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, इस पीएच की डिक्रीज को कंपनसेट करने के लिए इंक्रीज होना शुरू होंगे, आहिस्ता हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा हो गई, इसको काउंटर करने के लिए इंक्रीज होना शुरू होगा अगर कॉम्पेंसेशन होती है, अगर कॉम्पेंसेशन नहीं है तो इसको साइड पे कर। ये देखिए, अगर हमारे पास हाइड्रोजन एसिड कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होनी शुरू हो जाती है तो उसके बदले में बाइकार्ब्स भी ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं कॉम्पेंसेशन पे। अरे जी, नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अल्कलोसिस तो पीएच इंक्रीज हो रही है, रेस्पिरेटरी है तो पीसीओ टू के अंदर मसला हो रहा है, पीएच इंक्रीज होगी तो उसके वेज फिनोमिना से क्या होगा, पीसीओ टू डिक्रीज होगी, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई है, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा था कि अगर तो एसिड कॉन्टेंट कम हो रहा है तो क्या होगा, बॉडी आपको बाइकार्बोनेट्स देना शुरू कर देगी, ठीक है, फॉर इट्स कंपनसेशन। तो यहाँ तो ये नॉर्मल होंगे या ये बाइकार्बोनेट्स इंक्रीज में जाना शुरू कर देंगे, इंक्रीज एक्सक्रीशन में जाना शुरू कर देंगे, ठीक है, यूरिन इंक्रीज यूरिन में जाना शुरू कर देंगे ताकि बॉडी से बाहर निकल जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिडोसिस में देखें, डिक्रीज पीएच, मेटाबॉलिक है तो बाइकार्ब का इशू होगा, डिक्रीज बाइकार्ब होंगे तो आपकी एसिडोसिस होगी क्योंकि बेस निकल जाएगी। और इसी तरह हम ये देखते हैं जिस तरह पीछे देखा था कि अगर बेस कम हो रही है तो उसके रिस्पांस में, उसकी कंपनसेशन में PCO2 इंक्रीज होना शुरू हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड वो बंदा होल्ड करना शुरू कर देता है, अंदर ही रखना शुरू कर देता है, ब्रीदिंग स्लो हो जाती है और एसिड कंटेंट बढ़ता है कंपनसेटरी, ठीक है, ताकि जो हमारे पास बैलेंस है उसको वापस अचीव किया जा सके। लास्टली हमारे पास मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, इंक्रीज इन पीएच, एल्कलोसिस तो इंक्रीज इन बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयन इंक्रीज हो जाएंगे तो बॉडी क्या करेगी, पीसीओ टू को या तो नॉर्मल पर रह देगी या इंक्रीज करवाएगी ताकि जो पीएच है वो नीचे की तरफ जानी शुरू हो, ठीक है, और जो एक्सेस बाइकार्बोनेट्स हैं उनको एक्सक्रीट आउट करवाया जाएगा कंपनसेशन मैकेनिज्म। ये एक फ्लो चार्ट है, इससे ज्यादा आसानी हो जाएगी। पीएच अगर कम हो रही है तो एसिडोसिस है, ज्यादा हो रही है तो अल्कलोसिस है, वैल्यूज याद होनी चाहिए। एसिडोसिस हो तो दो काम हो सकते हैं, या तो कार्बन डाइऑक्साइड हाई होगी बॉडी में या बाइकार्बोनेट्स लो होगी। कार्बन डाइऑक्साइड हाई होगी तो इसका मतलब हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है तो एसिडोसिस हो गई, या बाइकार्बोनेट आयन जो है वो कम हो गए हैं तो रिलेटिवली आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अगर फिर वो दो में डिवाइड है एसिडोसिस जो है, अगर CO2 हाई है तो इसका मतलब है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अगर बाइकार्ब लो है तो इसका मतलब है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। कंपनसेशन हमने देख ली है, इनको छोड़ें, एल्कलोसिस पे हैं। एल्कलोसिस कैसे हो सकता है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन लो हो, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लो हो तो रिलेटिवली बाइकार्ब्स ज्यादा हो जाए तब एल्कलोसिस होगा, वैसे ही बाइकार्ब्स ज्यादा हो जाए तो एल्कलोसिस होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इज लो है तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, अगर बाइकार्ब इज हाई है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। बात देखें इन दोनों कंडीशन के अंदर, एसिडोसिस में भी और एल्कलोसिस में भी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हाई है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, कार्बन डाइऑक्साइड लो है तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है।
अगर बाइकार्बोनेट लो हो रहे हैं तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अगर बाइकार्बोनेट हाई हो रहे हैं तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो दो चीजें याद रखनी है, सबसे पहले पीएच क्या है वो आपको बता देगी कि एसिडोसिस है या एल्कलोसिस, और सेकेंडली आपने देख लेना है कि भाई अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड का मसला है तो रेस्पिरेटरी डिरेंजमेंट है, और अगर बायकार्ब का मसला है तो मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट है या इंबैलेंस। अच्छा जी, अब आती है मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज। एक इंटरेस्टिंग चीज पीछे गुजरी जो आप लोगों ने फ्लूइड्स में, फ्लूइड्स में आप लोगों ने देखा अगर एसिडोसिस हो रहा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है तो आपको एसिडोसिस हो रहा है और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपके पास ज्यादा हो रही है तो आपको लिंगर लैक्टेट देना है ताकि वो लीवर में जाके बाइकार्ब में कन्वर्ट हो सके, उसका बैलेंस अचीव करे, ठीक है। और अगर एल्कलोसिस हो रहा है तो आपको नॉर्मल सेलाइन देना है, सीएल देना ताकि जो सीएल है ये जाके रिमूव करवा दे बाइकार्बोनेट को और वो एक्सक्रीट आउट हो सके, ठीक है। जब भी हम बॉडी में एबीजीज लेते हैं तो हमारे पास कुछ ये वैल्यूज आती हैं रिपोर्ट में वापस, पीएच, पीसीओ2, पीओ2, बाइकार्बोनेट्स एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन। इनकी वैल्यू कुछ ऐसे 7.35 to 7.45 मिलीमीटर प्रति मर्क्यूरी, पीएच 35 to 45 मिलीमीटर प्रति मर्क्यूरी, पीसीओ2 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 8 to 100, बाइकार्बोनेट 22 to 26 और ऑक्सीजन सैचुरेशन 25 to 100%। ये हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज है। अब हम देखते हैं एक पेशेंट है उसकी हमने एबीजीज भेजी, ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यूज लिखेंगे सर, हमारे पास वैल्यूज रिसीव नहीं हो, कुछ इस तरह है, ऑक्सीजन सैचुरेशन विद नॉर्मल है, पीओ2 विद नॉर्मल है, पीएच दी रेंज है, इस तरफ है एसिडिक है तो एसिडोसिस, ठीक है, हमने एसिड बेस बैलेंस डायग्नोस करना। अब एसिडोसिस है, अगर पीसीओ पीएच कम है तो इसका मतलब है पीसीओ2 को ज्यादा होना चाहिए, क्या पीसीओ2 ज्यादा है? नहीं, पीसीओ2 ज्यादा नहीं है तो ये रेस्पिरेटरी इशू है। अगर पीसीओ2 ज्यादा नहीं है तो हमारे पास दूसरी ऑप्शन आ जाती है कि बाइकार्ब को कम होना चाहिए, एसिडोसिस है तो एसिडोसिस है तो बाइकार्ब को कम होना चाहिए, क्या बाइकार्ब कम है? यस, तो द प्रॉब्लम इज मेटाबॉलिक एंड द इंबैलेंस इज एसिडोसिस। लेट्स सी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये मैंने वही बनाया था साथ में ताकि आप लोग देख सकें, पीएच देखें लो है तो हमारे पास एसिडोसिस आ जाएगा, एसिडोसिस के अंदर क्या कार्बन डाइऑक्साइड का पीसीओ2 ज्यादा है? नहीं, ज्यादा नहीं है तो ये कट हो जाएगा, क्या बाइकार्बोनेट लो है? हाँ जी, ये लो है तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब नेक्स्ट देखना है कि कंपनसेशन है कि नहीं। अब देखें इसकी कंपनसेशन क्या थी, बाइकार्बोनेट अगर लो हो रहे हैं तो इसकी कंपनसेशन क्या है कि आपकी जो पीसीओ2 है वो डिक्रीज होगी ताकि पीएच इंक्रीज होनी शुरू हो, नॉर्मल की तरफ आनी शुरू हो, तो इट इज, ये देख सकते हैं आप 35 से कम हो रही है, दैट इज विद कॉम्पनसेशन, ठीक हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद कॉम्पनसेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास एक और एबीजीज आए हैं उसके अंदर हम देख लेते हैं, सबसे पहले पीएच एल्कलोसिस की तरफ जा रहा है बंदा, अगर ये पीएच ज्यादा है तो इसका मतलब है अगर पीसीओ2 हो तो वो कम की तरफ जाएगा, जी पीसीओ2 कम है तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास रेस्पिरेटरी इशू है, ठीक है। अगर ये ना हो तो ऑपोजिट क्या होगा, एल्कलोसिस है तो बाइकार्ब ज्यादा होने चाहिए, क्या बाइकार्ब ज्यादा है? नहीं, ठीक है, तो एल्कलोसिस के अंदर बाइकार्ब ज्यादा होने चाहिए, दैट इज रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ठीक है। फिर वही आपको मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को साथ में वो दिखाया जाए इसका फ्लो चार्ट, एक ज्यादा है तो एल्कलोसिस है, क्या पीसीओ2 लो है? जी पीसीओ2 लो है, तो वहीं पे आंसर आ गया, क्या बाइकार्ब ज्यादा है? नहीं, बाइकार्ब ज्यादा नहीं है तो हमारे पास रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस आंसर, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसमें हमारे पास कंपनसेशन है कि नहीं, कंपनसेशन अगर हमारे पास ये ज्यादा हो जाए सीओ2
सॉरी CO2 लो हो रहा हो तो क्या होता है, एसिड कम होता है, तो क्या बायकार्ब्स जो है वो एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे पास हम देख रहे हैं ये विदाउट कॉम्पेंसेशन है, क्योंकि बायकार्ब्स नॉर्मल रेंज में एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहे हैं टू नॉर्मलाइज दिस डिरेंजमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, उसमें हम देखते हैं कि एसिडोसिस है, एसिडोसिस है तो पीएच कम है तो PCO2 को ज्यादा होना चाहिए, क्या ज्यादा है नहीं, ये तो ज्यादा नहीं है तो कम है। दूसरी ऑप्शन क्या है हमारे पास, एसिडोसिस है तो बायकार्ब्स को कम होना चाहिए, क्या है कम है, जी कम है। तो ये हमारे पास आ जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब ये देख रहे हैं आप कंपनसेट हो रहा है, नॉर्मल रेंज में नहीं है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद कंपनसेशन। सेकंड लास्ट एग्जांपल, पीएच डिक्रीज हो रही है तो PCO2 को इंक्रीज होना चाहिए, क्या इंक्रीज हो रहा है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, मसला क्या है। अच्छा COPD है इसको, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इन केसेस के अंदर ना क्रॉनिक होता है तो इसका ऐसा करके PCO2 बहुत ज्यादा हुई है, उसकी कॉम्पनसेशन के अंदर बायकार्ब भी काफी कम हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग काम होता है, रेगुलर चल रहा होता है ये मसला, इनको सांस को आ नहीं हो रहा था COPD वाले पेशेंट्स को, सिरकें फूंक फूंक के उन्होंने फेफड़े बंद किए होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा PCO2 का इशू ये, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद कॉम्पनसेशन। तो PCO2 को कम होना चाहिए, क्या कम है, नहीं, PCO2 कम नहीं है तो बाइकार्बोनेट्स को ज्यादा होना चाहिए, एल्कलोसिस है, क्या ज्यादा है, जी, द प्रॉब्लम इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब आप ये देख रहे हैं कि ये भी नॉर्मल रेंज से ज्यादा हुआ हुआ है, डिरेंज्ड हुआ हुआ है, तो दैट इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद कॉम्पनसेशन। ठीक है, आई बिलीव कि आप लोग इस सारे को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि आपने पहले पीएच देखनी है, फिर आपने पीएच के साथ कोरिलेट करना है PCO2 को, अगर तो PCO2 कोरिलेट हो जाए वेज फिनोमेना से तो ठीक है, नहीं तो आपके पास दूसरी ऑप्शन आई थी बायकार्बोनेट्स, अगर PCO2 नहीं कोरिलेट होगा तो बायकार्बोनेट कोरिलेट होगा उससे, आप रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक, एंड लास्टली जो दूसरी वैल्यू बच जाएगी वेदर PCO2 और कार्बोनेट, अगर तो वो नॉर्मल रेंज में है तो नो कॉम्पनसेटेड है, और अगर वो नॉर्मल रेंज में नहीं है, डिरेंज हुई है, तो वो कॉम्पेंसेशन कर रही है। ठीक है जी, सो दैट वाज मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद कॉम्पेंसेशन। सो दैट इज इट फॉर योर कोर्स ऑफ एसिड बेस रेगुलेशन। नेक्स्ट आपको डॉक्टर द्वारा शुरू करवाएंगे, बफर सिस्टम्स हो गए हैं, लंग्स एंड किडनी की मेंटेनेंस हो गई है, एसिड बेस इंबैलेंस के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कलोसिस हो गई, मेटाबॉलिक एसिडोसिस मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया, एंड गैप इन इंटरप्रिटेशन ऑफ एबीजीज हो गए। योर रिसोर्स फॉर द चैप्टर फॉर दिस इज चैप्टर नंबर 41। आई एम गोइंग टू द चैट मेन्यू टू हैव अ लुक कि हम कहां पे खड़े हैं, क्वेश्चंस हैं कि नहीं है, अगर नहीं है तो आई विल साइन ऑफ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का शुरू होना है। I'll give you a call if you have any questions. I'll just give one call today. I gave time in the start. Do you have any questions? All right, I'm going to sign off. Thank you very much for your compensation or non-compensation. दोबारा बता दें। चलो बच्चे, अब जब next lecture होगा, जिस का भी होगा, तो उसके अंदर दोबारा बताऊंगा। फिलहाल तो you have a teacher waiting to commence your next lecture. I've noted this down, Haseeb Javed, inshallah, next film of India. Thank you very much.